आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टफ्ड कैप्सिकम की रेसिपी, भरवा शिमला मिर्च, जिसको कि मैंने बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनाया है। एक बार अगर आप बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे, और ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, और बस इसको, और तेल भी बहुत कम लगता है, बहुत बहुत कम ऑयल में आप इसको बना सकते हैं। और कैप्सिकम जो होता है बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है, इसके अंदर ऐसे बहुत विटामिन होते हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल के लोग होते हैं उनको कैप्सिकम ज़रूर खाना चाहिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। तो चलिए आज की रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टफ्ड कैप्सिकम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है पोटैटो, और यहाँ पे लिया मैंने एक कटोरी बेसन, और जो बॉयल पोटैटो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेफ्ट ओवर पोटैटो का यूज़ किया है। तो और ये मैंने कैप्सिकम लिया है, उसको अच्छे से धो के साफ कर लिया था। और उसके बाद इधर मैंने कढ़ाई में लिया है ऑयल, और उसके बाद जो हमने लिया था बेसन, और उस बेसन को हमको इसके अंदर भुनना है अच्छे से। हमें तब तक भुनना है जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाए, तब तक हमको इसको भुनना है। और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा जब ये भुन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा कलर चेंज हो गया है, और जो इसमें थोड़ी गांठें हैं उसको दबा के आप उसको फ्लैट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, धनिया पाउडर, और यहाँ पर जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें यूज किया है जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा जब ये भून जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे मसालों को भी हम इसके अंदर भून के अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला हमारा रेडी हो गया है, भून गया है एकदम। अब हम इसके अंदर जो पोटैटो हमने लेफ्ट ओवर लिया है तो उसको हम ऐड, यहाँ पे आप बॉयल पोटैटो भी ले सकते हैं, अगर आप कभी कुछ बनाते हैं और बच जाए उसका भी यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने सैंडविच बनाया था उसका जो लेफ्ट ओवर है ये, तो यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं इसकी स्टफिंग रेडी हो गई है। तो इसको हम निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा ऑयल लिया है, उसके बाद कैप्सिकम में हमें इस तरह से होल कर लेना है, और जो ऊपर की साइड से होता है उसको निकाल लेंगे, और फिर इसको हम इस तरह से भर लेंगे। तो इसको हमें अच्छे से अंदर तक डाल के मसाले को अच्छे से फिलिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको फिल कर लिया है। उसके बाद दूसरा लेंगे, उसको भी इसी तरह से हम अच्छे से मसालों से भर लेंगे जितना स्टफिंग है। अगर स्टफिंग बच जाती है तो आप उसको ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कैप्सिकम को स्टफ कर लिया है, तो देख सकते हैं आप। अब हमने जो ऑयल लिया था, और ये बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, बहुत थोड़ा ही है ये, और उसके बाद हम इसके अंदर एक साइड से इसको सबको खड़ा कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कर दिया, अब हम इसको कवर कर देंगे। उसके बाद हम एक बार ओपन करेंगे और इसको हिलाते डुलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है क्योंकि हमको चारों तरफ से इसको सेकना है। तो अभी एक साइड से हम हो गया है, अब हम दूसरी साइड से इसको इस तरह से पलट देंगे। तो सारे कैप्सिकम को मैं देख सकते हैं आप पलट देती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने इसको पलट दिया है, तो एक ये बहुत जल्दी होता है, आप देख सकते हैं कितना जल्दी हो गया है ये। उसके बाद फिर हम इसको एक बार फिर से कवर करेंगे और वापस से इसको हम पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं इस साइड भी हो गया है, और उसके बाद इसी तरह से में हम करके पूरे कैप्सिकम को पलट के और चारों तरफ से हमें इसे सेक लेना है। अब वापस से हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे, तो ये देख सकते हैं आप हमारे कैप्सिकम अच्छे से स्टफ कैप्सिकम रेडी हो गई है एकदम, देख सकते हैं। और अगर आपको चेक करना हो तो चाकू डाल के आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से ये रेडी हो चुका है। और एक साइड से जहाँ पे नहीं हुआ हो वहाँ पे आप देख सकते हैं उसको फिर से कर सकते हैं, पलट सकते हैं। तो ये सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है, और ये फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बनती है। इसको आप पूरी, पराठे, राइस, दाल किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मेरी जो कैप्सिकम की सब्ज़ी है वो रेडी हो गई है, तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सर्व करने के लिए हमने एक बाउल लिया है, उस बाउल में हम कैप्सिकम को निकाल लेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है एकदम। और जो ऑयल बचता है वो आप अलग कर सकते हैं, जो इसमें ऑयल आप देख सकते हैं काफ़ी बच गया है, तो उसको आप दूसरी सब्जी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो कैप्सिकम छोड़ देती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी स्टफ्ड कैप्सिकम रेडी है। एक बार ज़रूर बना के आप इस सब्जी को खाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी स्टफ्ड कैप्सिकम। और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अब साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अगर एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड।